नमस्कार, आज हम बात करेंगे हृदय रेखा की आयु गणना कैसे की जाती है, इसका विधि क्या है, कैसा इसको हम जानेंगे कि किस एज में कौन सी घटना हमको होने वाली है। अब तक हमने पिछली वीडियोस में जो है ना हृदय रेखा से जुड़े हुए उसका इंट्रोडक्शन से लेके उसका पूरा फुल डिटेल्स हमने लगभग 7-8 भाग हृदय रेखा का बनाया है। वीडियो 7-8 भाग में आज शायद लास्ट आपका भाग है ये, इसके बाद में हृदय रेखा आपकी कंप्लीट होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमको बात क्या करना है, आयु गणना करने के लिए हमको जानना क्या है। अभी मान लेते हैं ये आपकी हृदय रेखा है, ठीक है। अभी ये जो आपकी बुध की उंगली और आपकी सूर्य की उंगली, ये दोनों का जो जॉइंट होता है, यानी कि ये जॉइंट, इसकी बात कर रहे हैं। इस पे हमको हर जो जॉइंट है, वैसी उंगली की आपकी हर जो जॉइंट है उसका हमको मायने रहेगा इसमें। लेकिन इससे पहले मैं बताने से पहले एक बता दूं, बहुत लोगों का जो मानना है, जो अभी फर्स्ट वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोगों का मानना है कि हृदय रेखा की स्टार्टिंग इधर से होती, इस साइड से हो गई इधर को जाती, ऐसा मानना है बहुत लोगों का। यूट्यूब में भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मैं इसका हमेशा उद्गम बुध से गुरु की तरफ मानता हूँ। बुध कुमार ग्रह है, बचपने से बुढ़ापे की तरफ में जाता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इसका फ्लो इधर पे जाना ज़्यादा लॉजिकली सही लगता है और मैं इसको अपनाता हूँ और मैं इसको बहुत करेक्ट पाया हूँ अब तक के एक्सपीरियंस में मेरे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं नहीं जानता कि ये सही है या गलत है, ठीक है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये गलत है। ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये मेथड गलत है, कि कभी भी ये गुरु से बुध की तरफ में नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं, आप अपने हिसाब से, बाकी समझदार हैं आप, आजमा के देखिए दोनों के तरफ से आपको किस में एक्यूरेसी लगती है, आप जानेंगे। तो मेरा जो मानना है कि बुध से गुरु के तरफ में इसका गमन जो है बुध के से गुरु के तरफ में होता है। तो अब क्या करना है आपको, ये जो उंगली होगी बुध की उंगली और सूर्य की उंगली, ये दोनों का जो जॉइंट है उसको एकदम बिल्कुल 90 डिग्री आपको गिराना है हार्ट लाइन पे, और जिस पॉइंट पे कटेगा हार्ट लाइन को ये, वो जो पॉइंट होगा वो आपका होगा 25 साल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट के लिए ही 25 साल है, बाकी के लिए फिर इधर और इधर जब गिराते जाओगे तो फिर ये 21 साल आपको जोड़ना पड़ेगा, 21 और ये 21 आपको जोड़ना है, ये वाला फर्स्ट वाला बस 25 रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान देना है। वो इसलिए है क्योंकि आपकी हृदय रेखा थोड़ी नीचे से होकर चालू होती है ना, थोड़ी बुध के साइड में, साइड पोर्शन में थोड़ी नीचे से होकर चालू होती है। तो आप अगर इसको 25 पकड़ेंगे तो आपका एज कैलकुलेशन बहुत सटीक होगा, बहुत ही ज़्यादा। आप आजमा के देखिए अपने हाथ में, अपनी जीवन की घटना से मैच कीजिए अपने हृदय रेखा को, आप देखेंगे बहुत करेक्शन इसमें मिलता है। अगर आप इसको 21 साल मानते हैं फर्स्ट वाला पोर्शन को, तो बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता है। इसको 21 अगर पकड़ेंगे आप, आपकी आगे की सारी जो प्रिडिक्शन है ना वो गलत हो जाएंगी। आप देखना, इसको 25 पकड़ के ट्राई कीजिए आप, ये मेरा पर्सनल मानना है और मैं इसी के बेस पर रीडिंग करता हूँ और अब तक काफ़ी सटीक रहा है। लोगों का भी रुझान यही बोलता है कि सही है, मैंने भी अपने पर्सनल लेवल में सही पाया इसको। इसको आप आजमा के देखिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं सही हूँ, आप स्वयं आजमा के देखिए आपको लॉजिक क्या सही बैठता है, उसके हिसाब से फैसला लीजिए, ठीक है। बाकी हाँ, आप अगर मेरे से जानना चाहते हैं, मेरा वीडियोस देखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको 25 साल लेना है फर्स्ट के लिए, फिर ये 21, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला 25 रहेगा, दूसरा 21 रहेगा और तीसरा 21 रहेगा। 21 रहेगा मतलब यहाँ से अभी ये टोटल स्टार्टिंग, अभी इसमें कुछ बातें और बतानी पड़ेंगी। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 42 साल का होगा, ध्यान देना है, ठीक है, 42 साल का होगा। ये भी आप 21 पकड़, यहाँ से मैं 25 को 25 साल पकड़ता हूँ, इसलिए पकड़ता हूँ क्योंकि नीचे से चालू होते हैं ना, साइड पोर्शन से रेखा, तो इसका डिस्टेंस लंबा पड़ता है। तो इसको आपको 25 पकड़ना है और यहाँ तक को 42 पकड़ना है, यहाँ तक 25 और ये यहाँ तक 42, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आपका 63 पकड़ना है, 63, यानी 21 21 21, ऐसा सेगमेंट बांटा 21 21 21। अब ये सेगमेंट को 21 जगह 25 इसलिए किया है क्योंकि ये बुध के साइड पोर्शन से चढ़ते हुए आती है ना, तो इसकी रेखा की लंबाई ज़्यादा होती है, इसलिए इसको पहला 25 पकड़ रहा हूँ, बाकी को 21 21 पकड़ रहा हूँ। इसीलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपकी जब ये वाली जॉइंट पर अगर गिरेगी तो ये आपका 42 साल होगा, आपको ऐसा मान के चलना है, ठीक है ना। ये आपका एज कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर दूं, कंफ्यूजन ना हो, मैं जो बोलूँगा एक लाइन पे बोलूँगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
आपकी टोटल लंबाई ये हो गई। इसमें आपको जो फर्स्ट वाला जॉइंट से अगर 90 डिग्री गिराएंगे तो ये आपकी उम्र की 25 साल होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से गिराएंगे तो यहाँ से टोटल इसका जो उम्र होगा वो 42 साल का होगा, और यहाँ से अगर गिराएंगे तो ये 63 साल का होगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। और ये अगर इसमें एक और बात आता है, मान लो आपका निचला पोर था ये, ठीक है, ये सब उंगली का निचला पोर है, मैं इसको एक ही रेखा खींच दिया, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ का जो मिडिल सेक्टर होगा यानी कि सूर्य की उंगली के मिड सेक्टर से अगर आप वर्टिकल गिराएंगे तो ये 35 साल का होगा, ठीक है। अगर सूर्य से नीचे 90 डिग्री गिराएंगे तो वह 35 साल का होगा। इस तरीके से आप अपनी हृदय रेखा की गणना कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत सटीकता के साथ कर सकते हैं। और आप जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये 25 साल वाली, इसको आप बिल्कुल आजमा के देखिए अपने हाथ में, आप एकदम सटीक पाएंगे। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एक आध साल आगे पीछे होगा, मैं ये भी बोलूँगा कि 6 महीने ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा अगर आप सटीकता से 90 डिग्री गिराते हैं तो। हाँ, 90 डिग्री गिराने में आप आगे पीछे नहीं करना है, वो ध्यान से करिए, स्केल लेके करिए, बहुत सही बैठेगा आपको, ठीक है। तो ये था आपको आयु गणना का सरल तरीका और सटीक तरीका। आशा करता हूँ आपने ये तरीका समझ गए होंगे। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो अगर कंटेंट्स अच्छे हैं, लगता है कि मुझे आगे जाना चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।